महाराष्ट्र में बुधवार यानी 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल के नतीजे घोषित किए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल महायुति की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं और महाविकास अघाड़ी की जीत की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। इसी बीच शिवसेना यानी UBT नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मैं दावे से कह रहा हूं कि हम 160 से 165 सीटें जीत रहे हैं। हम और हमारे साथी मिलकर बहुमत का आंकड़ा छू रहे हैं। MVA की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा ये सभी नेता बैठकर तय करेंगे। वहीं कांग्रेस से नाना पटोले के CM का चेहरा होने के दावे पर राउत ने ये कहा है कि अगर ऐसा है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे आकर CM का नाम घोषित करना चाहिए। लोकतंत्र में जो मतदान होता है वो सीक्रेट होता है, लोग अपनी बात हमेशा खुलकर नहीं कहते। महाराष्ट्र में इस बार यही हुआ है। कोई आप सैंपल सर्वे 2000 लोगों का स्टेट में ले लेंगे और कहेंगे ये जीत रहा है वो जीत रहा है। हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी एग्जिट पोल के अनुसार, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? लोकसभा में मोदी जी को 400 पार दिखा रहे थे एग्जिट पोल वाले, सभी बड़े बड़े चैनल वाले, क्या हुआ? आप देखिए 23 तारीख को 10 बजे तक 11 बजे तक पूरा फैसला आ जाएगा। हम 160-165 सीटें जीते। संजय राउत ने आगे भी कहा कि MVA की पूर्व बहुमत से सरकार बनेगी जो 5 साल तक चलेगी। निर्दलीय और छोटी पार्टियों के साथ क्या करना है चुनाव परिणाम के बाद देखेंगे। आज और कल हमारे पास 2 दिन हैं। हम संभावित रिजल्ट्स पर चर्चा जरूर करेंगे। इसके साथ ही शिवसेना नेता संजय राउत ने BJP पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने ये कहा कि चुनाव में गौतम अडानी का पैसा आया है। चुनाव में इस बार 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है महाविकास अघाड़ी को हराने के लिए। राज्य के चुनाव में सारा पैसा अडानी का है। ट्रंप प्रशासन की तरह अडानी की भी जांच करवाई जानी चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो हम अडानी के खिलाफ जांच जरूर करेंगे। अडानी के खिलाफ कम से कम 100 FIR दर्ज होंगी। राउत ने बिटकॉइन के मामले को भी फर्जी बताया है। एग्जिट पोल के नतीजों पर महाविकास अघाड़ी में NCP शरद पवार की पार्टी के नेता क्लाइड क्रेस्टो की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ये कहा कि हम सबने देखा कि हरियाणा में क्या हुआ है। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और थे और चुनाव के नतीजे कुछ और। नतीजे के दिन सुबह कुछ और था और दोपहर को कुछ और, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अलग अलग है। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम समझते हैं कि क्या हो रहा है। लोगों को 23 नवंबर तक का इंतजार करना चाहिए। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी मतदान प्रतिशत बढ़ने पर महायुति को फायदा मिलने का दावा किया है, जिस पर क्लाइड क्रेस्टो ने यह कहा कि वोटिंग प्रतिशत में कोई बढ़ोतरी नहीं की हुई है। उनका अनुमान गलत है, उन्हें डिटेल लेने की जरूरत है। लोगों ने वोट किया और तय कर दिया है, अब 23 नवंबर को रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए सवाल तो सवाल ही रहेगा कि रिजल्ट्स के दिन ही पता चलेगा कि आखिर महाराष्ट्र का CM कौन है। लेकिन आपको क्या लगता है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह, आप देख रहे हैं ABP लाइव।